फ्रेंड्स, क्या आप भी बनना चाहते हैं कि यूट्यूबर? क्या आप भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और घर बैठे हजारों लाखों डॉलर्स कमाना चाहते हैं? और ऐसे में आप एक यूट्यूब चैनल बना चुके हैं, इसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, बट उसके ऊपर ना तो कोई व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही आपके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल एक यूट्यूबर बन जाएँ और घर बैठे लाखों डॉलर जो है वो हम अर्न करें। तो फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए पांच ऐसी यूट्यूब की टिप्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ही हाईएस्ट हैं, जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज़ और आपका वॉच टाइम जो है वो 100% जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर आप इन टिप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्द आप एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे और घर बैठे बहुत सारे डॉलर जो हैं वो आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन टिप्स को मैं खुद भी यूज़ करता हूं और मैं अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लाने के लिए भी इन टिप्स का यूज़ करता हूं। सो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक एक टिप्स को अच्छे तरीके से सुने, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आज की इन टिप्स को यूज़ करने के बाद आपके व्यूज़ जो हैं वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और हो सकता है कि आपके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में आना स्टार्ट हो जाएं। इसलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप की अगर हम बात करें तो वो है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, एक ट्यूटोरियल चैनल है, तो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है आपकी सक्सेस में, वो के यूट्यूब के। और फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हैं और रिसेंटली ही आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा टूल है। इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ की जो व्यूज़ हैं वो रैंक करेंगे और आपकी वीडियो फॉर यू में जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप हैकिंग रियलिटी की वीडियो है। इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शंस में वर्डिंग लिखी है जो कि सेम वर्डिंग टाइटल के साथ है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यूज़ करेंगे अपनी वीडियोस में, यानी कि आप टाइटल में भी वही की वर्डिंग देंगे जो कि सर्चेबल की वर्डिंग होगी, और वही वर्डिंग आप देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली आपकी वीडियो जो है वो रैंक करेगी और उन लोगों के सामने जाएगी जो लोग आपकी वीडियो देखना चाहते हैं, यानी कि उस कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं। फ्रेंड, सेकंड टिप्स की अगर हम बात करें तो वो है थंबनेल। थंबनेल के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो थंबनेल जो है वो बहुत ही अहम चीज़ होती है, जो कि न्यूली जो यूट्यूबर्स हैं या ओल्डेस्ट यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ही गलतियाँ करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो क्या करते हैं, वो एक से दो मिनट में थंबनेल बना के उसको लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे और व्यूज़ भी जनरेट होंगे, बट ऐसा नहीं होता। जो उनकी वीडियो बनाने के ऊपर मेहनत होती है, डिस्क्रिप्शन, SEO टैग्स, ये वो भी बेकार चली जाती है अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं होता या उस वीडियो के साथ रिलेट नहीं कर रहा होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपने मद्देनज़र रखनी है बातें थंबनेल के हवाले से, वो ये है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया हो जो आपने बात वीडियो में बोली है, तो डेफिनेटली आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसका फीडबैक मिलेगा। दोस्तों, YouTube में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो है आपका वॉच टाइम। अब YouTube बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करता है कि आपकी वीडियो के ऊपर वॉच टाइम कितना आ रहा है, कौन सी कंट्री का आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके वो फ़ौरन चले जाते हैं, एक मिनट की वीडियो देखते हैं या दो मिनट की देखते हैं या तीन मिनट की देखते हैं, और किस सिटी से देखते हैं, उस सिटी का रैंकिंग क्या है, और आपकी वीडियो के ऊपर प्रॉपर कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है या वैसे ही चले गए हैं। तो ईच इन एवरी थिंग वॉच टाइम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी यूट्यूब जॉनरे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के ऊपर जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो लंबे लंबे वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं ताकि उनका वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो, बट यूट्यूब इस चीज़ को जो है वो ग्रीन टिक करता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद कौन कौन से लोग किस किस कंट्री से आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर वो साथ साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर जो है आपको बेनिफिट होता है, अदरवाइज वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाए तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। और अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है, लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, चार मिनट की देख रहे हैं, पाँच मिनट की आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो बाकी जो चैनल्स हैं, यानी कि बाकी जो लोग हैं, उनको रिकमेंड की जाएगी, फॉर यू में आएगी, और आपकी वॉच टाइम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक न्यूली यूट्यूबर हैं तो आपने अपनी वीडियो की ड्यूरेशन, उसका टाइम आपने पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप पाँच मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो जो लोग हैं वो टाइम देखेंगे और आपकी वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे। तो आपने पाँच मिनट तक अपनी वीडियो को रखना है ताकि लोग आएँ, उसको देखें, एटलीस्ट तीन मिनट तक आपकी वीडियो को देखें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। अगर आप 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़
ना आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी राय, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस डेली बेस के ऊपर अपलोड होती रहती हैं।